हेलो फ्रेंड्स, पुष्पेंद्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा था, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर्स को पढ़ा रहा था, उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया। उसमें जहां से भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे टॉपिक मैंने उठाए हैं। क्वेश्चंस को करना एस्पिरेंट की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम कितना भी आपको कॉन्सेप्ट बता दें, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। आज मैं बात करूंगा रीजनिंग की। जैसा कि पिछले लेक्चर मैंने अनाउंस कर दिया था, बहुत ही जल्द मैं रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाला हूं, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी होते हैं। आप देखेंगे जैसे आपका डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, और उसके अलावा कुछ इमेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, कैलेंडर है, क्लॉक है। तो ये सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। और ख़ासकर आप आने वाले एग्ज़ामों की बात कर रहे हैं, जैसे अभी यूपीपी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें आप उठा के देखिए अभी तक जो सेट्स आए हैं 23, 24 और 25 वाले में, तो उसमें आप देखेंगे कि रीजनिंग में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा हाई फाई पूछा गया हो यूपीपी में, यूपीपी में बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। मैं देखा हूँ बच्चे गलत करके आए हैं, केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट में है। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन पूछ लिए गए हों, वो आप गलत कर रहे हों। डायरेक्शन टेस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आज जो मैं टॉपिक शुरू करूँगा वो है हमारा ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। देखिए, रक्त संबंध पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे आसपास या हमारे जो संबंध रहते हैं सबसे, वो किस टाइप के होते हैं। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता है कि पिता के साइड को क्या कहते हैं, माता के साइड को क्या कहते हैं, वाइफ के तरफ को क्या कहते हैं, तो हम कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ब्लड रिलेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये सारे संबंध पता होने चाहिए कि संबंध किस बेस पे कैसे आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि माता के साइड हैं, मदर साइड की बात की जा रही, से मामा की बहन, मम्मी की बहन, मम्मी के भाई के पिताजी की बहन, ठीक, मम्मी के भाई के पिताजी की बेटी, इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं रहते हैं, थोड़ा घुमा के रहते हैं कि आपके कोई भी एक में उसके मम्मी के पति के हस्बैंड, सॉरी, मम्मी के पति के साइड वालों को, मम्मी के साइड वालों को क्या कहते हैं, ये चीज़ें पता होनी। जैसे अगर हम बात करें माता की तरफ को, तो मदर साइड को कहा जाता है मैटरनल, उसी तरह फादर के साइड को क्या कहेंगे, फादर के साइड को कहेंगे पैटर्नल। और अगर यहीं पे एक वर्ड जोड़ दिया जाए वाइफ, बहुत लोग तो खुश हो गए होंगे, अरे वाह, तो वाइफ की बात आती है, तो वाइफ के तरफ के जो होते हैं उनको कहा जाता है इन लॉ, ठीक है। यही आपका लागू होता है हस्बैंड पे, कि अगर पति के साइड का है तो उस केस में वो हमेशा आपको इन लॉ कहलाएगा, पत्नी के केस में है तो उधर भी इन लॉ कहलाएगा, पिता के साइड का है तो वो आपका पैटर्नल कहलाएगा। जैसे अंकल हो गए, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल बुआ, पैटर्नल की तरफ के जितने भी आ गए, चचेरे भाई हो गए, चचेरी बहन हो गई, फुफेरे भाई हो गए, फुफेरी बहन हो गई, तो ये सारे के सारे आपके पैटर्नल कहे जाएंगे। मदर के साइड को मैटरनल कहा जाएगा। अब मम्मी के रिलेशन में जितने भी आ जाएं, मम्मी की फुआ, मम्मी की बुआ, मम्मी के फूफा जी, मम्मी की तरफ के अगर आप उनके भाई बहन, माता पिता, उन मम्मी के जो उधर के हैं, अंकल आ गए, आंटी आ गए, तो वो सारे आपके मैटरनल कहलाते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि मदर के साइड को क्या कहेंगे, फादर के साइड को क्या कहेंगे, हस्बैंड और वाइफ की तरफ के लोगों को क्या कहेंगे हम। तो ये तो सबको पता रहता है नॉर्मली, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने शुरू किया। अब मैं ब्लड रिलेशन बेसिक से एकदम शुरू करूँगा कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो।
अगर आप टाइप्स की बात करेंगे, ब्रेल रीडिशन कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये लिख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप इसको याद ज़रूर रखिएगा। इसके बाद आता है कि कितनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मली आप देखोगे 5 to 6 टाइप के क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन में बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ब्लड रिलेशन में आपका सबसे पहला आता है पजल। पजल फॉर्म का क्वेश्चन बनता है। पजल फॉर्म में भी आपके दो फॉर्मेट मिलते हैं, ठीक है। एक तो हमारा सिंपल फॉर्मेट मिल जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, हमें आंसर देना रहेगा। दूसरा हमारा मिलेगा ब्लड रिलेशन विद प्रोफेशन, कि ब्लड रिलेशन रहेगा लेकिन किसके साथ, प्रोफेशन के साथ। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन, प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन का मतलब है जैसे आप वकील हो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पेंटर है, कोई कारपेंटर है, कोई नाई है, कोई बढ़ई है, तो उसके साथ मिलेगा वो आपका ब्लड रिलेशन विथ प्रोफेशनल कहा जाता है। कि पजल में हमारे दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन बनेगा, दूसरा प्रोफेशन क्वेश्चन बनेगा जिसमें उस व्यक्ति का प्रोफेशन भी दिया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए होंगे, ठीक है। दूसरा आपका बनेगा इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग जैसा कि नाम है इंडिकेट, आप देखते होगे ना कि राम ने एक फ़ोटो को दर्शाते हुए बोला कि वह फ़ोटो के मतलब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बनेंगे। किसी चीज़ को जब दर्शाया जाता है, किसी को पॉइंट आउट किया जाता है, जैसे आपके घर में कोई फ़ोटो लगी हो तो उस फ़ोटो के देख के कोई बोले ये जो फ़ोटो लगी है मेरे फूफा के चाचा के ताऊ के लड़के की है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके इंडिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा फॉर्म आपका आता है इसी में कोडिंग, ठीक है, कोडिंग फॉर्म। तो मेन तो ये आपके तीन ही फॉर्म होते हैं कि एक क्वेश्चन आपको पजल के फॉर्म में मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन आपको कोडिंग के फॉर्म में मिलेगा, तीसरा क्वेश्चन आपको इंडिकेटिंग के फॉर्म में मिलेगा। वो बात अलग है, कोडिंग में दो तरह की कोडिंग होंगी आपकी, पजल में दो तरह के होंगे। इंडिकेटिंग में तो आपका एक ही टाइप का रहेगा, इंडिकेशन रहेगा, किसी चीज़ को इंडिकेट किया जाएगा तो वही क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ब्लड रिलेशन में, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लिख लीजिएगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और अब आपके लेक्चर थोड़ा लंबे होने वाले हैं क्योंकि इसमें मैंने जैसे कि बोला कि सभी एग्ज़ामों के लिए ले रहा हूँ मैं, तो इस केस में आपका SSC के सारे एग्ज़ाम, SSC CGL CHSL SI CPOSI MTS सारे कवर होंगे। उसके अलावा UP के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, साथ ही साथ स्टेट लेवल के, आप किसी भी स्टेट का ले लीजिए, सब जगह पे आपका ये कवर होगा। इसलिए अब थोड़ा लेक्चर लंबे जाएंगे लेकिन वीडियो आपको स्मॉल ही मिलेगी, भले ही 8 से 10 लेक्चर चले जाएँ, ठीक। तो आपको क्या पता लग गया कि क्या पता होना चाहिए ब्लड रिलेशन में। आपको पिता के साइड, माता के साइड और वाइफ के साइड के फंक्शन पते होने चाहिए। पिता के साइड को पैटर्नल, मदर के साइड को मैटर्नल, वाइफ के और हस्बैंड के साइड को इन लॉ। और इसके तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन तीन से आप जाएंगे तो वो 5-6 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है जिसको आप कहते हैं जनरेशन, सबने सुना होगा, मतलब पीढ़ी, पीढ़ी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो पीढ़ी में क्या आएगा, अगर हम पीढ़ी में बात करें तो दो चीज़ें इसमें डिफाइंड होती हैं। सबसे पहले आता है आपका जेंडर, जेंडर में जिसमें पुरुष और महिला रहेगी, मैन और वोमेन, ठीक है। साथ ही जब आप इसमें जनरेशन डिफाइन करेंगे तो यह एक ट्री बनता है। अगर हम जनरेशन की बात करें तो जनरेशन एक ट्री टाइप का होता है जिसमें आप देखेंगे एक वृक्ष बना है। वृक्ष का मतलब है जैसे आप यहाँ पे हैं, कोई है, आप ही ले लो, सपोज कर लो यहाँ पे राम है। अब कहा जाए इसके पिता के पिता
के नाती का बेटा। का राम के पिता से क्या संबंध होगा, मतलब ये कह दिया राम के पिता के पिता के नाती का राम के साथ क्या संबंध होगा। तो ये आपका एक तरह से ट्री होता है और इस ट्री को जनरेशन भी कहते हैं कि इसमें आपकी चार जनरेशन हो रही हैं। जहाँ से दिया जाएगा वहाँ से आप काउंट करेंगे, ये आपकी थर्ड जनरेशन है, सेकंड है, फर्स्ट है, और ये क्या हो जाएगी इसके बाद की जनरेशन है। तो इसको कहते हैं जनरेशन। जनरेशन में जनरेशन गैप हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, ट्री से अगर आप सॉल्व करेंगे जनरेशन आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें आता है कि आप संबंध को लिखते कैसे हो। देखिए एक एक चीज़ लेके चल रहा हूँ, अभी मैं सारी चीज़ें कंबाइंड कर दूंगा एक साथ, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं सब बता रहा हूँ। पैटर्नल, मैटर्नल और आपका इन लॉ आ गया, पजल और इंडिकेटिंग, और तीसरा आपका था कौन सा था, पजल था, इंडिकेटिंग था, सिंपल था, इन पजल में भी दो फॉर्म थे, और तीसरा आपका था ठीक। तो इसमें अब आप देखेंगे कि जैसे कहा जाए ए की बहन बी है, ठीक है, डी का पति ए है, डी की माता ई है, ठीक, ए का पिता ए मतलब जेड का पिता एक्स है, मतलब इस टाइप से जब आपको मिलेगा तो जब भी आप इसमें ट्री बनाएंगे, ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए इंडिकेट कैसे करते हैं। देखिए कभी भी आप भाई बहन को इंडिकेट करेंगे तो एक एरो से इंडिकेट कर दीजिए, और जब जेंडर की बात आएगी मेल और फीमेल, भाई जेंडर आपके दो टाइप के हैं, तो फीमेल को हमेशा आप माइनस लेके चलिए, मेल को हमेशा आप प्लस लेके चलिए, कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में उन्होंने नाम दे दिया हिमांशु, उन्होंने नाम लेके काम शुरू कर दिया, हिमांशु नाम लेके पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया, और उन्होंने ये नहीं कहा कि हिमांशु मेल है या फीमेल है, नाम से हमें मेल लग रहा है, हम अगर नाम देख के इसको मेल कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, हो सकता है कहीं पे जाके इसको फीमेल किया गया हो, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसीलिए इसमें कभी भी मेल और फीमेल आप नाम से या खुद से मत डिसाइड करिए, क्वेश्चन में क्या गिवेन है उसके अकॉर्डिंग आप मेल और फीमेल डिफाइन करेंगे। तो कोई कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए आप हमेशा मेल के लिए पॉजिटिव और फीमेल के लिए निगेटिव यूज करिए। अब जैसे ये कहा गया ए का की बहन बी है, ए की बहन बी है, मतलब बी क्या है, बहन है किसकी, ए की, लेकिन ए क्या है ये इंडिकेशन नहीं है, तो हम यहाँ ए को भाई नहीं कह सकते, हो सकता ए बहन ही हो, इस जरूरी नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज करेंगे, आपको ट्विस्ट करेंगे, तो वो ध्यान दीजिएगा, ठीक। जैसे डी का पति ए है, डी जो है इसका पति ए है, अब यहाँ पे श्योर है डी का पति मतलब ये महिला ही होगी, और जब भी आप दिखाइए, देखिए बहन भाई इनका रिलेशन आएगा तो उसके पैरेलल में ही लिखा जाएगा, एक लाइन आप इंडिकेट कर दीजिए, मैं ब्लैक से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक, ये भाई बहन या वैसे रिलेशन के लिए। जब आपका पति पत्नी का आएगा तो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई ले लीजिए, कोई कोई डबल लाइन लेके चलता है, कोई सिंगल लेके चलता है, मेरे हिसाब से आप ये लेके चलिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है डी की माता ई है, डी की माता ई है मतलब ये, अब यहाँ पे क्या है, ये एक जनरेशन है डी की माता, तो हमेशा ऊपर बनाइए, पति पत्नी आपका हमेशा पैरेलल में साइड में रहेगा, भाई बहन दिया गया हो इस टाइप का तो इसको आप हमेशा इस टाइप से लीजिए, अगर पीढ़ी जनरेशन हो तो आप उसको अप और डाउन लीजिए, जो पीढ़ी नीचे हो नीचे रहेगी, जो पीढ़ी ऊपर हो ऊपर रहेगी। जैसे जेड का पिता एक्स है, तो जेड का पिता एक्स है, तो एक्स क्या है, पिता है, तो मतलब ये मेल होगा, प्लस ले लीजिए। जेड को आप कभी मत डिफाइन करिए जब तक आपको पूरा क्वेश्चन पता ना लग जाए, ठीक। तो ये आपका जनरेशन होता है, और कुछ सिंबल होते हैं कि किसको किस तरह से लिख के आपको क्वेश्चन करना चाहिए,
ये चीज़ें हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी अधिकतर देखा हूँ लोग क्वेश्चन करते हैं और उसमें ये नहीं ध्यान देते हम इंडिकेशन क्या दे रहे हैं, वो क्वेश्चन करते चले जाते हैं और क्वेश्चन लास्ट में जब कॉम्प्लिकेशन में आता है तो उन्हें इंडिकेशन ना होने की वजह से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आ जाता है कुछ। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको से पूछ रहा हूँ, ए और बी, ए बी की बहन है, ठीक है, ए बी की बहन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है बी की शादी डी से हुई है, बी की शादी डी से हुई है, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पढ़ते समय आपको पूरा आंसर आ जाएगा। बी और डी की पुत्री जी है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें पूछा गया है जी का ए से क्या संबंध है, जबकि बी एक पुरुष है, ठीक है। ये पूरा आपका क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें क्या कहा गया, पहला क्या चीज़ है, पहला है इसमें ए की बहन बी है, मतलब ए की बहन बी है, पहला आपका ये हो जाएगा कि ए की बहन बी है, उन्होंने दे दिया ए जो है उसकी बहन बी है, तो आपने इसको एक साथ लिख लिया। हमेशा आप इस तरह से लिख के करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आप कन्फ्यूजन में जाएंगे। अब हमें पता लग गया नेगेटिव लेडी के लिए होता है, फीमेल के लिए। अब कहा जा रहा बी की शादी डी से हुई है, बी जो है इसकी शादी मतलब मल्टीप्लाई किससे हुई है, डी से हुई है, तो डी क्या होगा, अगर ये लेडी फीमेल है तो ये मेल होगा, ठीक है। बी की शादी डी से हुई है, एक मिनट गलत कर है, फिर से देखिए, इसमें कहा जा रहा है ए बी की बहन है, ए की नहीं गया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ए बी की बहन है, मतलब ए जो है ये बी की बहन है, ए निगेटिव है आपका, बी नहीं, ठीक है। बी की शादी डी से हुई है, बी की शादी डी से हुई है, इनमें कोई जेंडर नहीं दिया गया। उसके बाद कहा जा रहा बी और, ठीक, डी, बी और डी की पुत्री जी है, बी और डी ये दोनों हैं, इन दोनों की जो पुत्री है वो कौन है, वो है आपकी जी, दिख रहा, ये पुत्री है तो ये फीमेल हो जाएगी, ठीक। इसके बाद कहा गया जी का ए से क्या संबंध होता है, जी का ए से संबंध पूछा गया है, लेकिन अभी हम संबंध नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता बी और डी में कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो उस केस में जी का ए से संबंध अगर हम बता रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए बी क्या है, मेल है या फीमेल है, क्यों, क्योंकि पैटर्नर साइड है कि हमारा मैटर्नर साइड है, मम्मी के साइड के हैं या पापा के साइड के, हमें ये पता होना चाहिए। तो इसमें आप देखोगे एक अलग से बाद में दिया गया था डी, बी हमारा पुरुष है, अगर बी पुरुष है तो ये लेडी है, ठीक है। तो उस केस में क्या आ गया, पापा की बहन से रिश्ता पूछा गया है, मतलब आपका जो पूछा गया संबंध, इन दोनों का पूछा गया संबंध। तो संबंध में ये ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या गया, जी का ए से, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, जी का ए से मतलब इसका संबंध पूछा गया है। तो जी का ए से क्या संबंध है, जी की ए क्या लगेगी, बुआ लगेगी, या हम कह सकते हैं पैटर्नल, मतलब पिता के साइड की है तो आपका नॉर्मली ए जो है वो बुआ हो जाएगी, लेकिन ए जी की बुआ है तो ये तो ए का संबंध है जी से, ए जी की बुआ, जी का क्या होगा, जी जो है वो भतीजी है, मतलब नाइस है किसकी, ए की। इसी इसमें भी काफ़ी लोगों को मैं कंफ्यूज होते देखा हूँ कि जब लास्ट में संबंध बताते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इसमें दिया गया जी का ए से क्या संबंध है। अगर इस क्वेश्चन में एक आपका ये दिया गया, दूसरा ये दे दिया जाए ए का जी से क्या संबंध है, ठीक, तो जी का जो संबंध होगा ए से, जी ए की भतीजी होगी, ठीक है, ये क्या होगी, ये नाइस नीस होगी।
और ए का जी से, ए का जी से तो उस केस में ये बुआ होगी। तो क्वेश्चन क्या है, जी का ए से तो यहाँ भतीजी आ जाएगा, इस वाले केस में बुआ आ जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, जो वर्ड पहला लिखा रहे पहले उसी का संबंध बताना है दूसरे के साथ, ना कि दूसरे का। तो इस टाइप से आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। ये एक बेसिक क्वेश्चन था मैंने जो लिया था, अभी मैं आपके टाइप्स पे नहीं चल रहा हूँ, भी कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पजल टाइप की, कि तीन टाइप मैंने बताया था, पजल फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म और कोडिंग फॉर्म। अब हम बात करेंगे पजल फॉर्म की, कि अगर हमारा क्वेश्चन पजल फॉर्म में आता है तो पजल फॉर्म में क्वेश्चन कौन सा होगा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पजल में आपके क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार रहते हैं। जैसे दे दिया जाए ऑल अ सिक्स मेंबर, किसी घर में छः मेंबर हैं जिनको ए बी सी डी ई से डिनोट किया जा रहा है, और वो एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, और उनमें कुछ संबंध दे दिया जाए, जैसे सी बी का पिता है, सी की पत्नी ए है, ए की ननद ई है, और ई का भतीजा एफ है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे आपके, तो वो आपके पजल फॉर्म के क्वेश्चन कहलाएंगे, ठीक है। तो आप इसके बेसिक क्वेश्चन ट्राई करिएगा, पजल वाले क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए। इकट्ठा पढ़ाऊंगा तो आप भी बोर होंगे और समझ में भी नहीं आएगा, मैं तो पढ़ा दूंगा, मुझे पढ़ाने में कुछ नहीं जा रहा है। तो इतना आप बेसिक कॉन्सेप्ट करिए, बेसिक क्वेश्चंस करिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पजल फॉर्म पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि उसके बाद के भी टॉपिक कवर हो सकें।